हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ अम्बुज शुक्ला एंड यू आर वेलकम टू अम्बुज स्टडी पॉइंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय जेम्स रसेल लोवेल द फाउंटेन बिफोर स्टार्टिंग द पोयम लेट्स नो समथिंग अबाउट पोएट जेम्स रसेल लोवेल एक अमेरिकी रोमांटिक पोएट थे और ये बहुत बड़े क्रिटिक एडिटर और डिप्लोमैट यानी कि राजनयिक व्यक्ति भी थे इनका जन्म कैम्ब्रिज में जो अमेरिका में ही स्थित है ट्वेंटी सेकेंड फरवरी एट्टीन को हुआ था और इनकी डेथ ट्वेल्थ अगस्त एट्टीन नाइन्टी वन को हुई थी कैम्ब्रिज में ही द फाउंटेन इनकी बहुत ही फेमस कृति है और इस पोएम में पोएट ने हमें यह बताया है कि कैसे हम एक निर्जीव वस्तु से उसके कुछ गुणों को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं सो लेट्स नाउ स्टार्ट दोयम द फाउंटेन इंटू दि सनसाइन इंटू दि सनसाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्राम मॉर्न टिल नाइट इंटू दि सनसाइन यानी कि सूर्य की रोशनी में जो प्रकाश से भरपूर है लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट लीपिंग मीन्स होता है उछलना और फ्लैशिंग मीन्स चमकना फ्राम मॉर्न टिल नाइट यानी कि सुबह से शाम तक यहाँ पर पोएट फुवारे को इंगित करते हुए कहते हैं कि फवारा वह है जो सूर्य की रोशनी में सुबह से शाम तक उछलता और चमकता हुआ अपने कार्य को जारी रखता है इन टू दून लाइट वाइटर देन स्नो बेबिंग सो फ्लावर लाइक द दिंड्स ब्लो चांद की रोशनी में मून लाइट मीन्स चांद की रोशनी में वाइटर देन स्नो वह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है बेबिंग सो फ्लावर लाइक द दिंड्स ब्लो और जब हवा चलती है तो इस प्रकार हिलता है जैसे फूल हिल रहे हों इन टू दी स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी डे यानी कि तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे यानी वो अपने कार्य को निरंतर जारी रखता हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी डे रात्रि के समय भी वो खुश रहता है और दिन के समय भी वो प्रफुल्लित महसूस करता है खुशी महसूस करता है Ever in इन मोशन बिल्थसम एंड चेरी स्टिल climbing वर्ड नेवर अवेरी Ever इन मोशन यानी कि सदैव वो चलता रहता है हमेशा अग्रसर रहता है गतिशील रहता है build some and एंड चेरी विल्थसम मीन्स होता है जिंदा दिल यानी कि बहुत ही अधिक प्रसन्न होना और चेरी मीन्स होता है प्रफुल्लित होना स्टिल climbing हेवन वर्ड नेवर अवेरी यानी वो सदैव प्रगतिशील रहता है सदैव ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और कभी भी वो थका हुआ महसूस नहीं करता है। अवेरी मीन्स होता है थकान महसूस करना ग्लैड ऑफ़ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मौसमदाई रेस्ट ग्लैड ऑफ़ ऑल वेदर्स यानी कि सभी मौसम में वह प्रसन्न रहता है स्टिल सीमिंग बेस्ट यानी वो सबसे अच्छा पर्सन और सबसे अच्छा महसूस सबसे अच्छा दिखता है सबसे अच्छा महसूस करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट अपवर्ड यानी कि कभी वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और कभी वो नीचे की तरफ बढ़ता है मोशन डायरेस्ट यानी कि निरंतर चलते रहना ये उसका विश्राम है फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम कभी यहाँ जो पोएट है वो फवारे को इंगित करते हुए कहते हैं कि फवारा फुल ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है नथिंग कैन टेम टेम का मतलब होता है नियंत्रित करना कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है चेंजड एवरी मोमेंट एवर द सेम यानी कि वो हर आ, समय बदलता रहता है एवर द सेम लेकिन प्राकृतिक स्वरूप से वह अपने स्वभाव के रूप में वह एक ही समान रहता है सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनसाइन दाई एलिमेंट सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस मीन्स होता है निरंतर एस्पायरिंग मीन्स होता है महत्वाकांक्षी होना आकांक्षी होना सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनसाइन दाई एलिमेंट यानी कि फुवारा जो है सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है और अपनी गति से संतुष्ट रहता है डार्कनेस और सनसाइन दाई एलिमेंट यानी कि अंधेरे और सूर्य की रोशनी में भी वो निरंतर कार्य को करता रहता है एलिमेंट मीन्स होता है स्वभाव होना उसका यानी कि कार्य करना ही उसका स्वभाव है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी दाई मीन्स योर होता है ये और दी मीन्स होता है यू तुम तो ये ध्यान रखना ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी ग्लोरियस फाउंटेन अब यहाँ जो पोएट हैं वो फवारे को संबोधित करते हुए कहते हैं हे शानदार फवारे ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार लेट माई हर्ट बी मेरा हृदय की यह इच्छा है फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी यानी कि वह तुम्हारी तरह बहुत ही तार, ताज़ा महसूस करे परिवर्तनशील रहे कॉन्स्टेंट मीन्स होता है दृढ़ रहे और अपवर्ड लाइक दी यानी कि प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहे यानी कि सदैव अपने जीवन में नित निरंतर कुछ अच्छा करता रहे और आगे बढ़ता रहे सो so, ये आपकी कंप्लीट पोएम थी और इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन था कोई चीज़ ना समझ में आई हो कोई एक्सप्लेनेशन आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू